नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सड़कें वीरान है, शहर सुनसान पड़ा है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, सबकी अपील एक जैसी है, सबकी बात एक जैसी है। और कोरोना से लड़ाई के लिए सबसे अपील की जा रही है कि आप सड़कों पर न निकलिए। सवाल यह है कि आपने शहर को इस तरह से कब देखा है? सवाल यह है कि आपने सियासत को इस तरह से कब देखा है? और सवाल यह भी है कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं उस जगह को आपने इस तरह से कब देखा है? ये दानापुर रेलवे स्टेशन है। पटना के बाद अगर किसी रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा कहीं रेल ट्रैफिक हुआ करता था तो इस स्टेशन के पास हुआ करता था। और ये रेलवे स्टेशन वीरान है। ट्रेनें जहाँ खड़ी हैं वो अपनी जगह पर खड़ी है। न यात्रियों का शोर है, न ट्रेनों के अनाउंसमेंट है और न ही ट्रेनों का कोई शोर है, न ट्रेनों का हॉर्न है। तो दूसरे कई जगहों की तरह रेलवे भी वीरान पड़ा है। दानापुर रेलवे स्टेशन भी वीरान पड़ा हुआ है। इक्के दुक्के लोग हैं, संभवतः जिनका ऑफिस जाना आना ज़रूरी होगा वो यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन दिखाएं इस तरफ की तस्वीर। रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा है। इस तरफ जो रेल अधिकारी हैं जिनका दफ्तर आना ज़रूरी है वो आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं और संभवतः 14 अप्रैल तक नहीं चलेंगी तो बिल्कुल ये स्टेशन सुनसान पड़ा है। और फिर बता दें कि पटना जंक्शन के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती थी किसी रेलवे स्टेशन पर तो वो यह स्टेशन है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। पटना का दानापुर रेलवे स्टेशन है और वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। और रेलवे ने एक ट्वीट किया था, रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट आपको याद होगा। रेलवे ने कहा था, लिखा था कि युद्धकाल में भी कभी ट्रेनें नहीं रुकी हैं, यह स्थिति युद्धकाल में भी नहीं आई है। तो मामले की गंभीरता को समझिए। हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, सिटी पोस्ट आपसे अपील कर रहा है, आप अपने घरों से मत निकलिए। इस तस्वीर को देखिए, समझिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। कब आपने सुना कि कोई लगातार ट्रेनें बंद रही हों इतने दिनों तक? कब आपने सुना कि इस तरह का कोई स्टेशन इतना वीरान पड़ा हो? तो मामले की गंभीरता को समझिए। कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई है और भयंकर महायुद्ध है। लड़ना है तो सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, पुलिस के निर्देशों का पालन कीजिए और अपने घरों से मत निकलिए। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।